Hello everyone, welcome to Man TV. Today we have one more heroine with us and she is Rupali Saikhedkar. Rupali is the proud founder of Dhruv Foundation, an NGO working towards the cause for smile for the soldiers of our India and women empowerment as well. She is also the founder of Dhruv Defence Motivation Center, which is into education of defence trainings along with related counselling, especially for women. Hi Rupali, welcome on the show. हेलो तो रूपाली जी, आपके बारे में काफ़ी सुना है एंड स्पेशली वुमेन सेल्फ डिफेंस को लेके कि आप बहुत खूब ट्रेनिंग देती हैं, तो एग्जैक्टली क्या आप ट्रेनिंग्स ऑफर करते हैं? बेसिकली हम लोग वुमेन सेफ्टी पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वुमेन्स एट डिफरेंट फेसेस ऑफ लाइफ आर गेटिंग ट्रबल्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ एज. तो जब हमें जब बात आती है हमारी खुद की सुरक्षा की, तो मैं ये सोचती हूँ कि हम लोग क्यों किसी पे निर्भर रहे, क्यों हम ये मतलब जैसे कोई मेरा ब्रदर आके मुझे बचाएगा, माय हस्बैंड वुड कम, एनी अदर नीड, व्हाई डू वी नीड समबडी एल्स टू कम एंड सेव मी. तो ये वी और कुछ ऐसे मनारी को ले ले डिफेंड करने. तो जैसे एवरी लेडी शुड नो हाउ टू डिफेंड हर सेल्फ, हाउ टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ एंड वॉट एवर इज द टाइप ऑफ सिचुएशन, कितनी भी क्रिटिकल हो, हमें अपने आप को बचाना आना चाहिए. जी बिल्कुल. एंड आपने क्रव मागा की भी काफ़ी ट्रेनिंग दी है हमारे पुणे में और आसपास, तो ये एग्जैक्टली होता क्या है? बेसिकली क्रव मागा जो है दे आर डेडली नॉन रूल्ड फाइट. बेसिकली क्रव मागा जो है दे आर अनरूल्ड फाइट्स. दिस इज इजरायली टेक्निक्स. नाउ इट इज़ वेरी मच कमिंग हियर इन इंडिया एंड इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. होता क्या है कि जब हमें कोई तकलीफ दे रहा है, व्हेन समबडी इज ट्रबलिंग यू, तो आपको उसको उससे ज़्यादा पेन देना है जितना पेन वो आपको दे रहा है. ओनली देन यू विल फाइंड अ प्लेस टू एस्केप योरसेल्फ. अटैक. तो वो टेक्निक्स होते हैं क्या? टेक्निक्स होते हैं. दिस इज मोर ऑफ मेंटल अलर्टनेस. दिस इज मोर ऑफ यूजिंग योर बॉडी एज अ वेपन. अभी होता क्या है कि एवरी नाउ एंड देन वी के नॉट हैव, अभी अब तक का कैसे था कि वी यूज टू हैव पेपर, मतलब जैसे दिल्ली साइड या बहुत अलग साइड में इट इज़ अ कंपल्सरी एक्शन दैट वुमेन्स हैव टू कीप पेपर स्प्रे सम वेपन और ऐसे. बट नॉट एवरी टाइम इट इज़ पॉसिबल कि हम अपना पर्स खोले, पेपर स्प्रे निकाले एंड देन यूज इट. तो वॉट इज इमीजिएटली अवेलेबल विद यू इज योर ओन बॉडी. करेक्ट है ना. इट नेवर हैपन्स दैट आई हैव केप्ट माई टू हैंड्स एट होम. दिस इज समथिंग विच एवरी टाइम इज विद मी. सो यूजिंग अवर ओन बॉडी, अवर नेल्स, अवर हैंड्स, गॉड हैज गिवन अस लॉट ऑफ पॉइंट्स. जैसे आई हैव एल्बो, आई हैव अ लिटिल स्ट्रॉन्गर स्कल, देन नीज आर देयर, हील्स आर देयर. तो हम अपना हर चीज जो इस्तेमाल अवेलेबल है उसे यूज करके कैसे बच सकते हैं, ये टेक्निक्स जो है दैट इज दैट कम्स इन दिस ट्रेनिंग. क्रव मागा, इंटरेस्टिंग. एंड कई औरतें हैं जो सोचती हैं कि मेरे पास तो बिल्कुल वक्त नहीं है कि मैं टाइकोंडो या कराटे ट्रेनिंग के लिए जा सकूं रोज़ाना, तो क्या ये उससे हटके हैं या आपको कोई टिप्स? नहीं बिल्कुल. मैंने खुद कराटे या जैसे टाइकोंडो की कोई ट्रेनिंग नहीं की है. देर आर डिफरेंट बेल्ट्स की ट्रेनिंग, बट बिलीव मी वुमेन सेल्फ डिफेंस इज वेरी डिफरेंट दैन दिस कराटे ट्रेनिंग. कराटे ट्रेनिंग इज अ बेल्ट वाइज ट्रेनिंग जिसमें एक्शंस है, स्टेप वाइज थिंग्स होते हैं. दे हैव डिफरेंट काताज विच आर टॉट एंड जो एग्जाम्स भी होती है उसमें, तो दे जस्ट गिव यू द पैटर्न एंड इट इज दे डजंट अलाउ द किड टू हिट द पर्सन. एंड सिचुएशन बेस्ड ट्रेनिंग नहीं, सिचुएशन बेस्ड ट्रेनिंग नहीं होती. तो ये जो है कर्मा का दैट इज़ वेरी डिफरेंट इसलिए क्योंकि दिस इज क्विक रिएक्शंस ऑन एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन विच कम्स. राइट. तो जैसा सिचुएशन होगी वैसा मेंटल अलर्टनेस और वैसे आपका रिएक्शन होता है. सो आपने ये भी कहा कि हम बॉडी को एक वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं जब किसी भी ऐसे सिचुएशन में हम फंस जाते हैं और हमें अटैकर को कमज़ोर करना है, तो इसमें बॉडी के अलावा भी कोई ऐसे टिप्स है कि हम यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल. जैसे हम लोग रोज़मर्रा की चीज़ें हमारे हाथ में होती है, मैं कहीं जा रही हूँ, मेरे हाथ में एक चाबी है. सो इवन अ कार की, एनी स्कूटी की, एनी थिंग कुड वर्क एज अ वेपन फॉर मी. हम लोग
अपने हेयर्स प्लक करने के लिए पिन लगाते हैं. दिस पिन इज समथिंग विच कुड बी यूजफुल. सेफ्टी पिन्स भी समटाइम कीप्स एक स्पेयर हमारे पास, इसको भी हम एज अ वेपन यूज कर सकते हैं. द हैंड बैग, द स्टोल इन आवर नेक, दैट आल्सो इज वेरी यूजफुल. द दुपट्टा, व्हेन वी आर वेयरिंग पंजाबी ड्रेसेस, सी ऑल दिस, इवन अ सैंडल विद अ हील एट टाइम्स हेल्प्स अस लाइक अ वेपन बिकॉज इट हैज हिज ओन वे ऑफ यूजिंग. तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमारे पास में होती है, बस ये है कि आवर मेंटल ब्रेन हैज टू नो कि किस चीज को किस मोमेंट में और किस तरह से यूज कर सकते. बिल्कुल सही कहा आपने. एंड एक बात बहुत अच्छी कही आपने कि हमारा सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है वुमेन का, तो उसको सही से इस्तेमाल करना चाहिए. तो इन शॉर्ट हमें बताएंगे कि कैसे हम जाने कि हम एक रिस्क में है या रिस्क सिचुएशन. देयर आर वेरियस सिचुएशन जहाँ पे हमारा माइंड हमें बताता है. सिक्स सेंस टेल्स अस कि समबडी इज स्टेयरिंग एट मी, कोई मेरा पीछा कर रहा है. आई गेट दैट फीलिंग, वुमेन गेट दैट फियर, जैसा एक धड़कने बढ़ जाती है. एंड वी कम टू नो एंड एट दैट टाइम इंस्टेड ऑफ गेटिंग पैनिक, शी हैज़ टू अंडरस्टैंड वॉट इज दैट शी कुड डू. अब जैसे आप सोच लीजिए कि अगर एक वुमेन अकेली लिफ्ट में जा रही है एंड देर आर फोर पीपल्स एंटरिंग इन द लिफ्ट, सो यू विल फील उस, हाँ यू विल फील इसमें क्या है. तो देर इज समथिंग दैट वन वुमेन शुड रिमेंबर कि शी शुड बी ऑलवेज स्टैंडिंग नियर द पैनल्स जहाँ बटन्स हो. शी शुड नॉट जस्ट एंटर द लिफ्ट एंड गो एट द एंड ऑफ द लिफ्ट बिकॉज होता क्या है कि देन देर वुड बी नो मूव दैट शी कुड डू एस्केप एरिया. सो शी शुड सी टू इट दैट अगर कोई उसके बाद व्हेन शी फील्स दैट ही इज रियली ट्राइंग टू टच हर और ट्राइंग टू कम ऑन हर, देन शी कुड प्रेस ऑल दिस बटन्स. Nobody would like to get caught. जब लिफ्ट हर फ्लोर पे खुलेगी उसे डर होता है आदमी को कि he will get caught. और रूपाली जी, छोटी बच्चियों के लिए भी आपके पास कमांडो ट्रेनिंग है जो हम जरूर जानना चाहेंगे क्या होता है. तो कमांडो ट्रेनिंग में जो है, वी आर टेकिंग 6 years onwards से 16 years तक के बच्चे. एंड इस माध्यम से बेसिकली वी आर ट्राइंग टू ट्रेन दिस जनरेशन मोर on how to protect themselves by various methods, not only self defense, self protection. जैसे कहीं पे कोई disaster हो गया तो a child, a girl child or any child should know how to handle this type of situation. कहीं fire लग जाती है या different types के हादसे होते हैं, I am passing, कोई accident देख लिया, किसी को heart attack आ गया, तो everyone has to be prepared for any calamity which could come in their life. तो इसे कैसे रिएक्ट करें और उस सिचुएशन में व्हाट वुड बी द प्रॉपर वे ऑफ गिविंग द रिलीफ टू दैट पर्टिकुलर पर्सन इज व्हाट वी टीच इन कमांडो ट्रेनिंग. कमांडो ट्रेनिंग में हम लोग लाठी काठी जो एक अभी आप लोग मणिकर्णिका में हमने देखा, बिल्कुल, तो लाठी काठी, दान पट्टा, ये सारे जो फॉर्म्स हमारे हिस्टोरिकल टाइम से वी हैड ऑल दिस, तो ये सब कुछ हम लोग अभी भी सिखाते हैं बिकॉज हमारे जो मूव्स होते हैं दैट कुड सेव अस. ऑल आर 360 degree ऑफ वुमेन कुड बी सेव्ड बाय दिस मूव्स. एक काठी से भी वी कैन कीप 4-10 पीपल्स अवे फ्रॉम आवरसेल्व्स एंड दिस ऑल टेक्निक्स वी टीच इन आवर कमांडो ट्रेनिंग. तो और ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे टिप्स रूपाली जी के पास है हर सिचुएशन को लेके, जिसमें हम सोचते हैं हम शायद फंस सकते हैं या हमने किसी के बारे में सुना हो, तो डेफिनेटली यू शुड गेट इन टच विथ हर. एंड हमारे ऑडियंस आपके साथ कैसे संपर्क कर सकते हैं? हमारी एक वुमेन वॉरियर्स नाम की फेसबुक ग्रुप है, सो देयर दे कैन कॉन्टैक्ट अस. वी हैव ध्रुव फाउंडेशन एंड ध्रुव डिफेंस मोटिवेशन सेंटर्स के पेजेस विच आई विल शेयर विद यू. आप ऑडियंस को ये भी दे सकते हैं नंबर्स, वॉट एवर टाइप ऑफ प्रॉब्लम और सिचुएशन दे हैव, इफ दे जस्ट ट्राई टू कन्वे अस और मेल अस, वी विल गिव देम अ सॉल्यूशन or teach them how would be the escape and different things. Nice. And coming towards the end, wo inspiring message hum zarur jana chahenge for our Women TV audience from you. So the inspiring message for the women is, women really have a lot of strength and strong points in themselves. To aap logo ko, aap log apne aap ko kamzor sochne ke bajaye, har situation mein hamara jawab kya hona chahiye, hamara quick reaction kya hona chahiye, is pe agar dhyan di women, तो दे कैन रियली कम आउट ऑफ एनी टाइप ऑफ सिचुएशंस. और मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या अपने आप को बचाने के लिए
एक 3 आवर्स का वर्कशॉप जो हम लोग वुमेंस को कहते हैं. वुमेंस ये समझती है कि सेल्फ डिफेंस सीखना कोई मंथली क्लासेस जाने जैसा काम है, बट नो, इट इज़ नॉट कराटे या ट्वाइकोंडो और थिंग्स विच गोइंग ऑन. इट इज़ जस्ट अ 3 आवर्स का सेशन विच यू हैव विच एवरी वुमेन एवरी गर्ल चाइल्ड हैज़ टू गिव देम सेल्फ बिकॉज प्रोटेक्टिंग देम सेल्फ बाई ऑन देयर ओन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जी, दैट वॉज आर हीरोइन रूपाली साईखेडकर विद अस. Stay tuned for more powerful stories with Woman TV.